सर हमें तो ये पता है कि कम से कम 15-20 साल से हम धूल मट्टी खा रहे हैं यहाँ पे बैठ के। वही कंसल्टेशन नहीं किया हमने, थोड़ा बहुत एहतजाज भी किया है कि भाई इतना चौड़ा रोड है, इसको साफ सुथरा बना दे, यहाँ पर किसी ब्रिज की जरूरत नहीं है। अगर आप इसकी पैमाइश करें तो मेरा ख्याल ये क्लिफ्टन से भी ज्यादा चौड़ा रोड। गुज़िश्ता चंद सालों में हम देख रहे हैं कि इस ब्रिजेस के कॉन्सेप्ट को कराची जैसे शहर में ना शदीद अब्यूज़ किया गया है। हमारी ये जो एक इलीट और प्रिविलेज क्लास है वो बेसिकली ब्रिजेस डेवलप कर रही है महज अपने कमर्शियल और पर्सनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और सर्व करने के लिए। देखिए ये जो नया नाज़माबाद का ब्रिज है ये एक प्राइवेट रियल इस्टेट डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया जा रहा है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ वहाँ के रेजिडेंट को बाकी शहर के साथ एक कन्वीनियंट एक्सेस प्रोवाइड करना है। देखा ये गया है कि ऐसे इलाकों में जहाँ ये पुल बनते हैं और वहाँ हवा और ये आपकी पोल्यूटेंट्स वहाँ जाके निकल नहीं सकते, फिर बात है जो उन इलाकों में बीमारी में इजाफा होता है। हम ये VOC लेवल्स मेरे नहीं ख्याल से कभी कोई मॉनिटर हो रहे हैं, तो जब आपकी ये ट्रैफिक ये जो ब्रिजेस बनते हैं और इसके अगर साथ में कम्युनिटीज़ हैं तो ये एलिवेटेड होते हैं तकरीबन, अगर ये 20-25 फीट ऊपर आपका चला गया ब्रिज आपके लेवल से, तो वहाँ से जब ये एमिशंस निकलते हैं तो ये इनकी आउटिंग ज़्यादा होती है। NICVD Karachi mein we see about 35 to 40 heart attacks a day. And we see patients who are 25 years old, 30 years old, 45 years old, a lot of younger population. इस किस्म के ब्रिज बनाने से पहले दूसरे ऑल्टरनेटिव्स को और दूसरे रास्तों को और दूसरे तरीकेकारों को एवेल्युएट करने की बहुत जरूरत है।